पूरा मामला तो हम भी नहीं जानते हैं, आपके जैसे सजग पत्रकार लोग ही बताएंगे। एक्चुअली में जिस हद तक हम जानते हैं कि कुछ एडमिट कार्ड ऐसे हैं जिसमें जिस छात्र का होना चाहिए, मतलब जिस विद्यार्थी का एडमिट कार्ड है उसमें उसका फोटो ना होकर किसी और का, तो यह बहुत सी साधारण बात है, मामूली बात है कि विश्वविद्यालय ने अपने प्राचार्यों को अधिकृत किया हुआ है कि यदि किसी छात्र के छात्रा के एडमिट कार्ड में किसी तरह की त्रुटि है, सब्जेक्ट में कहीं चूक है, नाम में कुछ गलती है, तो सुधारने के लिए प्रिंसिपल को अधिकृत किया गया है। और जो विद्यार्थी सुधार के लिए आते हैं तो हम लोग सुधार कर देते हैं, तो फिर अपने सेंटर पर जाते हैं परीक्षा देने के लिए जहाँ निर्धारित है परीक्षा के लिए। तो यह चीज़ को इस तरीके से विद्यार्थी कहीं और का किसी कॉलेज का नाम दिया जा रहा है, हमको ये नहीं समझ में आ रहा है कि लोगों को ठीक से बात को भी समझना चाहिए कि कहाँ किस बात जो है किससे जुड़ा हुआ है। अब जीडी कॉलेज की बार बार जिक्र लोग कर रहा है, तो विद्यार्थी तुम जीडी कॉलेज का है नहीं, मेरे कॉलेज का में सेंटर है, तो यह मतलब कि तय है कि वह जीडी कॉलेज के अलावे किसी अन्य महाविद्यालय का छात्र है। तो वैसे छात्रों के लिए तो हम लोग अधिकृत नहीं हैं। हाँ, जो मेरे विद्यालय का छात्र है उसके एडमिट कार्ड में कुछ त्रुटि है, कमी है, कहीं चूक है, तो उसको सुधार करते हैं हम लोग। विश्वविद्यालय ने हम लोग को यानी प्रधानाचार्यों को इस काम के लिए अधिकृत किया है। देखिए, एक अजीब सा ही मजाक है और हम किसी पर ब्लेम नहीं करना चाहते हैं कि आप जिस तरीके से बात को रखा जा रहा है, बताया जा रहा है, किसी छात्र का फोटो दूसरे छात्र का हो सकता है, लेकिन छात्र के जगह किसी नेशनल इंटरनेशनल व्यक्ति का फोटो आने का मतलब ही है कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो असामाजिक तत्व तो है, समाज में गंदगी और बुराई फैलाना चाहता है, समाज को बदनाम करना चाहता है, विश्वविद्यालय को बदनाम करना चाहता है, महाविद्यालय को बदनाम करना चाहता है। रियली बिलीव मी, इट इज़ ए मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड ऑल्सो इट इज़ ए मैटर ऑफ इंक्वायरी। और ऐसे लोगों के साथ बहुत सख्ती से पेश आना चाहिए कि लोग जो समाज में गंदगी फैला रहे हैं, आखिर ऐसा किस तरीके से हो रहा है। यह बहुत स्पष्ट बात है कि किसी छात्र का बदले किसी दूसरे छात्र का हो तो कुछ बात भी समझ में आती है, लेकिन एकदम कंप्लीट आउट ऑफ एवरीथिंग या इस लिमिटेशन के बियॉन्ड किसी आदमी का फोटो आता है तो इसका मतलब है कोई ना कोई इसमें अपना गलत इरादे से, खराब नीयत से ये सब काम कर रहा है या गंदगी फैला रहा है। यह हम लोगों के लिए अच्छी बात नहीं है और यह समाज में एक अच्छा संदेश नहीं देता है, बल्कि हम तो सलाह देंगे कैसे लोगों से सावधान रहना चाहिए और पता चलने पर इनके विरुद्ध रिपोर्ट भी होना चाहिए।